आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को प्रणाम। चलिए जानते हैं कार्तिक मास में कौन सा वो नियम है जो सबसे ज़रूरी है, जिसका पालन हर नारी को जरूर करना चाहिए अपने जीवन में, अपने परिवार में सुख समृद्धि धन वृद्धि के लिए। आप सभी जानते हैं कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि को भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह हुआ था। इस महीने में भगवान जगते हैं। अगर कोई पूरे महीने में इस नियम का पालन कर ले तो निश्चित ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, संकटों का नाश होता है। तो कार्तिक मास की बड़ी महिमा है क्योंकि भगवान इसी महीने में जगते हैं। शालिग्राम तुलसी का विवाह होता है कार्तिक पूर्णिमासी को। तो आप सभी भी जैसे इसके बहुत सारे नियम हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्म मुहूर्त में तारों के रहते दीपदान दिया जलाना, और साथ ही साथ में बैगन इत्यादि तामसी चीज़ों का त्याग करना, मैथुन न करना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जब पृथ्वी पर सोना, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में सुख सौभाग्य वृद्धि करते हैं। परंतु और कुछ ना कर पाएँ तो कम से कम सात्विक आहार ग्रहण करें, और साथ ही साथ अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में तारों के रहते दिया जलाएं तो बहुत ही शुभ है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय, तो शाम के समय सूर्यास्त जब हो रहा हो, सूर्य ढल रहा हो, तो उस समय तुलसी के नीचे एक संकल्प के साथ में पूरे महीने भर दिया जलाइए। अगर आप मतलब महीने से हो जाते हैं तो फिर नहीं जला सकते, तो अपने घर में किसी से जलवा लीजिए। आपके जीवन में इससे ज़रूर सुख समृद्धि बढ़ेगी क्योंकि तुलसी भगवान की प्रिय मानी जाती है। तुलसी कोई चीज़ भगवान से कह देंगी तो भगवान उसको मना नहीं कर सकते। तो आप ज़रूर प्रार्थना करिए कि तुलसी माता आपके जीवन में सुख सौभाग्य वृद्धि करें। तो इतना नियम तो ज़रूर ही पालन करें, कम से कम एक दिया ज़रूर तुलसी के नीचे जलाएं और प्रणाम करें, प्रार्थना करें, तो आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। सुख सौभाग्य दायिनी है तुलसी मैया, ये बड़े से बड़े संकटों को भी टाल देती हैं, और नारी को इसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर वैसे भी ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत शुभ होता है तुलसी का सेवन करना, तो अगर आप कार्तिक मास में बस एक ही नियम इसका पालन कर लेते हैं तो भी सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बेल प्रेस करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।